तो हेरिटेज मॉल पटना का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा होने वाला है। यहाँ पर 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में है, 6 स्क्रीन मतलब 6 स्क्रीन का सिनेमा हॉल होने वाला है। और मॉल का डिजाइन देख सकते हैं, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, काफी बड़ा मॉल होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं सगरा मॉल के पास खड़ा हूँ, यहाँ पर बन रहा है हेरिटेज मॉल। इसके पहले जेवी मॉल का अपडेट दे चुके हैं कुछ दिन पहले, तो हेरिटेज मॉल का अपडेट देने वाले थे। लास्ट तक ब्लॉग बनाएंगे, सब कुछ जानेंगे, कितना ऊंचा होने वाला, क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, तो सब कुछ बताएंगे आप। यहाँ पर कैसे आप लोग देख सकते हैं, रेडियंट स्कूल है, इसी के बगल में बन रहा है हेरिटेज मॉल, काफी बड़ा मॉल ये बनने वाला है। तो अभी पता चला कि पटना में सबसे बड़ा मॉल ये होने वाला है, मतलब सिटी सेंटर, पहले तो पीएनएम मॉल था, सिटी सेंटर हो चुका है, बोला जा रहा है कि सिटी सेंटर को टक्कर देने वाला है। बट मेरे को नहीं लगता है, देखने से आप लोग देख के बताइए सिटी सेंटर को टक्कर दे पाया कि नहीं। बट ये भी पटना का सबसे बड़ा मॉल सेकंड नंबर है, अगर सिटी सेंटर को टक्कर नहीं दे पाए तो पटना का सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे मॉल होने वाला है। तो हेरिटेज मॉल पटना का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा होने वाला है। यहाँ पर 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स होने वाला है, 6 स्क्रीन मतलब 6 स्क्रीन का सिनेमा हॉल होने वाला है। फूड कोर्ट होने वाला है, गेमिंग जोन होगा, और गेमिंग जोन मतलब कुछ नया यहाँ पर होने वाला है। और फूड कोर्ट दो टाइप का होने वाला है, एक तो अंदर होता है, अंदर होगा, एक बाहर की ओर होगा। बाहर वाला बहुत खूबसूरत लगने वाला, बारिश हो उससे कैसे बचाए इसका तो कोई आइडिया नहीं। जैसे सिटी सेंटर में आप लोग अगर फूड कोर्ट में जाइएगा तो उसका एक बाहर एरिया भी बना हुआ बालकोनी में, वैसे यहाँ पर भी होने वाला, बट यहाँ का कुछ बड़ा ही होने वाला है। एरिया की अगर बात किया जाए तो दानापुर खगोल रोड में बन रहा है, और यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे फ्लैट वगैरह सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया। पहले यहाँ पर पेड़ ही पेड़ था, एकदम खाली इलाका था, लेकिन अब ये डेवलप कर रहा है ये जगह। अब मल्टीप्लेक्स की बात करें तो कौन सा सिनेमा हॉल होने वाला है, PVR आयोनक्स, इन्हीं में से कुछ कोई बड़ा सिनेमा हॉल यहाँ पर खुलने वाला है। जेवी मॉल का तो पता किए तो वहाँ पर ढिसुम सिनेमा हॉल खुलने वाला है, बट यहाँ पर ढिसुम सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, ये तो मेरे को पक्का पता चल गया। स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कितना कितना स्क्वायर फीट जगह ले रहा है, रिटेल एरिया कितना लेगा, ऑफिस कितना लेगा, फूड कोर्ट कितना लेगा, मल्टीप्लेक्स कितना लेगा, एंटरटेनमेंट कितना लेगा, पार्किंग एरिया कितना लेने वाला है, यहाँ का टोटल स्क्वायर फीट दिखाया है आप लोग। और मॉल का डिज़ाइन देख सकते हैं, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, काफ़ी बड़ा मॉल होने वाला है। इस मतलब यहाँ के लोगों के लिए अब उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, सिटी सेंटर या PNM मॉल नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर लोग आकर अपना एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर का बालकोनी भी आपको दिख रहा होगा कितना शानदार, कितना खूबसूरत होने वाला है। तो मॉल की बात करें पूरे बनने का, तो उसको अभी कम से कम 6 से 7 साल लगने वाला है, अभी बहुत टाइम है इस मॉल को बनने में। तो अगला अपडेट देंगे आपको कुछ महीने के बाद ही देंगे, कम से कम 2-4 महीने के बाद देंगे। तो यहाँ के वर्कर सबसे पूछें तो बोल रहे कि टोटल यहाँ पर 18 फ्लोर होने वाला है। जी हाँ, 18 फ्लोर का ये मॉल बनने वाला, काफ़ी बड़ा मॉल होने वाला है। इसका मतलब अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ सिटी सेंटर इसके सामने फेल होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बड़ा मॉल होने वाला है और एरिया भी कुछ ज़्यादा कवर कर रहा है। पार्किंग की बात की जाए तो मल्टी लेवल पार्किंग होने वाला, मतलब कि डबल पार्किंग होने वाला, नीचे होगा उसके सबसे नीचे फ्लोर होगा, उसके ऊपर भी होने वाला है। एलिवेटर एक्सकलेटर भी होने वाला, एलिवेटर तो हो गया, लिफ्ट आपको एक्सकलेटर हो गया कि स्टार्टिंग में ही आपको एक्सकलेटर मिलने वाला है, जैसा कि आप लोग PN मॉल में एंट्री करते हैं वैसे यहाँ पर आएगा। तो पटना में लगातार मॉल पे मॉल बनते रहा, बहुत लोगों को इंतजार था कि बड़ा बड़ा मॉल बने, तो अब बड़ा मॉल ये अभी बन रहा है, मतलब सिटी सेंटर के पास सबसे बड़ा मॉल मेरे को लगता है ये अभी बनने वाला है। इसके पहले और भी मैं मॉल का अपडेट दे चुका हूँ, बट वो सब मॉल उतना बड़ा नहीं जितना हम लोग सोच के चल रहे हैं, वो बड़ा है बट उतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर रहा है। इसके पहले जो जेवी मॉल का अपडेट दिए थे, मेरे को सब्सक्राइबर बोले कि वहाँ पर ढिसुम सिनेमा हॉल खुलने वाला है, मतलब ढिसुम सिनेमा हॉल तो मैंने पहले सुना भी नहीं है, अब देखते हैं जब खुलेगा तो पता चलेगा। मतलब आइनॉक्स PVR होता है दूसरा अलग बात होता है, बट ढिसुम सिनेमा हॉल खुलने वाला है, तो अब वेट करते हैं। जेवी मॉल का मैंने अपडेट दे चुका है, आपने नहीं देखा तो ब्लॉग जाकर मैं चेक कर लिए। पटना में लगातार जो भी नया मॉल बन रहा है उसका मैं सबका अपडेट दे चुका, और आपको भी लगता है कि पटना के अंदर कहीं मॉल मुझसे मिस हो रहा है, आपके एरिया में कोई बड़ा मॉल बन रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।